ना चाहती थी। उसकी शक्ल हजूर बिल्कुल आप जैसी थी। हाँ तो फिर हजूर मैं समझ नहीं पा रहा कि डाकू भी वही और बजाने वाला भी वही। फिर कहते हो सरनामा लिख दूं, मोहर लगा दूं, रजिस्ट्री भी कर दूं। ओ भाई मारने वाला भी वही है जो जिंदगी बख्शने वाला है, वही रहीम करीम है, वही कहार जब्बार है, वही कश्ती है, वही भंवर है। तुम जैसे अहमक सारी जिंदगी कांटे चुनने में बसर कर देते हो और कांटे ही को जिंदगी समझते हो, गुलाब तक पहुंच ही नहीं पाते। कभी गुलाब भी कांटों से जुदा हुआ, कभी रात भी बिछड़ी है दिन से। समझ गया सरकार, समझ गया। कुछ नहीं समझे न समझ सकोगे सारी उम्र। तुम अभी रंग ढूंढते हो, हालांकि तजल्ली का कोई रंग नहीं, सारे रंगों के मजमूए का नाम तजल्ली है। मेरा दावतनामा लिख भीजिए सरकार। तेरा दावतनामा? अरे बेवकूफ, मेहमान और वो भी शान वाला। मामूली मेहमान के लिए 100 सफाई सुथराई होती है, अलहदा कमरा तैयार किया जाता है, और वो तो सारा घर खाली करवा के उतरता है। वो कब किसी और के साथ रहता है मकान में? खाली करवा लिया घर, हो गई सफेदी पॉलिश, तैयारी हो गई सारी। जैसी कही सरकार, की तो है कुछ कुछ। ले ऐसे थोड़े दावतनामे पे मोहर लगा के कहता है दावतनामा भेज दो, सरनामा लिख दो, मोहर लगा दो। ऐसे कैसे बच्चू, ऐसे कैसे? मकान खाली नहीं, हर मेहमान रखेगा। है तेरी की, जा मेरा वक्त जाया ना कर, दुनिया के कुत्ते जा चले जी, जा जा। नमक हराम।